हे माय लवलीज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सुहाना और आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी इतने सारे किचन फैंस जो कि मैंने मीशो से मंगवाए हैं। एंड बस इतना ही नहीं है, और भी सारे हैं। अगर मैं यहाँ पे रखती ना तो मैं ही छुप जाती, तो मैंने इसको अभी तक ओपन नहीं किया है। मैंने यहाँ पे क्वार्टर लेके बैठी हूँ और एक एक करके आप सबके सामने ओपन करूंगी एंड इसका मैं रिव्यू शेयर करूंगी। ऑल्सो मैंने बहुत ही सारे यूनिक एंड इंटरेस्टिंग सामान मंगवाए हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहला वाला ये जो प्रोडक्ट है इसको ओपन करते हैं एंड देखते हैं इसमें क्या है। एंड गाइस, मीशो की ना पैकेजिंग बहुत ज्यादा बेटर हो गई है पहले से। तो ये है, इसमें मुझे मिला है बॉटल, एंड ये बॉटल कुछ इस तरीके का नहीं है, ये है डंबल वाला बॉटल्स। एक मिनट रुको, मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से, रुको रुको। एंड या गाइस, कितना ज्यादा खूबसूरत है ये। एंड ये कुछ इस तरीके से है, ये है डंबल वाला, मतलब कि ऐसे जो बॉडी करते हैं डंबल वाला, ये है बॉटल्स। एंड बहुत ही क्यूट, बहुत ही यूनिक है। एंड इसका जो मटेरियल है प्लास्टिक का मटेरियल है, एंड बहुत ही तगड़ा मटेरियल है, मतलब कि ऐसे चालू माल जो होता है ना वो बिल्कुल भी नहीं है। एंड इसमें आपको तीन कलर्स मिल जाएंगे, पिंक, ब्लैक और ग्रीन, जो कि बहुत ही अच्छा है एंड प्राइस पॉइंट के हिसाब से भी अच्छा है। या गाइस, मैं तो इससे बॉडी भी बनाऊंगी मैं बस जोक कर रही हूँ, इससे बॉडी नहीं बनने वाले हैं, इससे आप पानी पी सकते हो। तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है इसको ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। बहुत ही भारी सा लग रहा है एंड इसको ओपन करने के बाद ही पता चलेगा कि इसमें क्या है। ओ वाओ गाइस, कितना ज्यादा खूबसूरत है। एक चीज होता है ना कि कोई भी प्रोडक्ट देखो अगर अच्छा लगेगा तो उससे पूरा तुरंत ही वाव निकलता है। एंड ये वाव वाला केटल है एंड ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। एंड ये रहा इसका कैप, और बहुत ही अच्छी पैकेजिंग के साथ आपको मिलता है। एंड इसके अंदर का कुछ इस तरीके से दिखता है एंड मटेरियल भी बहुत ज्यादा अच्छी है। एंड पूरा ही इसमें ना वर्क जो हुआ है, आप देख सकते होंगे कि कितना खूबसूरत सा वर्क हुआ है, पूरा राजस्थानी वाइब दे रहा है। एंड इसमें ना आपको ऐसे स्टोन लगे हुए मिल जाएंगे ये पूरा बॉडी में, एंड जो इसमें वर्क भी हुआ है ना वो भी बहुत ही सुंदर सा हुआ है। एंड मैं आपको पूरा ही ओवरऑल लुक दिखा देती हूँ, ये कुछ इस तरीके से है। एंड इसके साथ आपको एक कैप भी मिल जाएगा जो कि कुछ इस तरीके से है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगने वाला है। ऑल्सो यहाँ पे ना जो हैंडल मिलेगा, ये जो एरिया है ना, ये आपको प्लास्टिक का जो पाइप होता है ना वो पाइप का मिलेगा, लेकिन वो जो पाइप होता है ऐसा पतला वाला पाइप नहीं है, बहुत ही तगड़ा वाला पाइप है। एंड ये रहा इसका कुछ इस तरीके से ओवरऑल लुक, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया ये वाला। तो जो नेक्स्ट आइटम हम ओपन करेंगे, देखते हैं इसमें क्या है। एंड ओपनिंग करने में तो, पार्सल ओपनिंग करने में तो मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं तो ऐसे फाड़ ही देती हूँ, बस आप सबको दिखाने के लिए मैं इससे काट रही हूँ। ओ वाओ, मैं समझ गई ये क्या है। तो ये है ऐसे मिक्सर, जो विस्कर होता है ना वो, आप इसे क्या कर सकते हो, हम कोई भी सामान ऐसे फेंटते हैं तो उसमें ये यूज होता है, जैसे कि अंडा हो गया, बेसन का घोल हो गया, आटा गूंदने के लिए काम आ गया। तो ये बहुत ज्यादा काम का चीज है, हर किचन में तो होना ही चाहिए। एंड स्टील का है, बहुत ही अच्छी मटेरियल के है एंड प्राइस पॉइंट के हिसाब से भी बहुत ज्यादा बेस्ट है। एंड ये रहा इसका, यहाँ पे आप ऐसे मतलब की जो स्टैंड होता है बर्तन का स्टैंड, उसमें ऐसे टंगा सकते हो। नेक्स्ट पार्सल की ओर बढ़ते हैं एंड इसको ओपन करते हैं एंड देखते हैं कि इसमें क्या है। गाइस, मैं ना क्या क्या मंगवाई हूँ वो भी मुझे याद नहीं है अच्छी तरह से, क्योंकि मैंने ओपन भी नहीं किया है। आप सबके सामने ओपन करके ही देख रही हूँ कि क्या क्या आया है, मुझे रिसीव हुआ है। तो ये मुझे पता चल गया है क्या है, ये है हैंड ग्राइंडर एंड ये कुछ इस तरीके से है। मैं आपको पूरा खोल के दिखाती हूँ। गाइस देखे ना, मुझे ना कटर की भी जरूरत नहीं है। इसका काम क्या है, इसमें आप गोल मिर्ची रख दोगे, जो ब्लैक पेपर होता है उसको आप इसमें रखोगे, ऑल्सो आप इसमें मसाला भी रख सकते हो, वो आपकी चॉइस है, लेकिन ये एक्चुअल में ब्लैक पेपर का काम करता है। तो इसमें आप गोल मिर्ची रख लिए, देन इसको अच्छी तरह से टाइटली मतलब कि लॉक कर देना, देन यहाँ पे जो इसका कैप होता है, इसको कैप को ओपन करोगे एंड इसको ना ऐसे 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 ट्विस्ट करोगे, तो जो हमारा काली मिर्च होता है वो ऐसे पाउडर फॉर्म में आपके जो खाना में वो गिरने वाला है, जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा काम की चीज है। आप इसे अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर रख सकते हो, बहुत ही ज्यादा मतलब की लग्जरियस एंड बहुत ही अमीरी फील देने वाला है ये। तो बढ़ते हैं बड़े से आइटम के ऊपर, तो देखते हैं इसमें क्या हमें रिसीव हुआ है। ऑल्सो गाइस, सारे प्रोडक्ट के लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर वहां से चेकआउट कर सकते हो। ऑल्सो मीशो पे भी सेल चल रहा है, तो अभी आपको डिस्काउंट में भी मिलेगा। ये डब्बे के अंदर डब्बा मुझे मिला है, तो ये मुझे मिले हैं दो बैग। तो ओ वाओ, ओ माय गॉड गाइस, आप देख
कितना ज्यादा क्यूट एंड कितना ज्यादा सुंदर सा ट्रे मिला है मुझे। एंड ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है, मतलब कि इसमें जो काम हुआ है ना, इसमें डिटेलिंग जो हुआ है फ्लावर की, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। ऑल्सो इसमें ना मतलब कि मोर वाला डिजाइन भी हुआ है, यहाँ पे साइड में भी मोर वाला डिजाइन हुआ है, ऑल्सो यहाँ पे अंदर में भी मोर वाला डिजाइन हुआ है। एंड बैक साइड से ये कुछ इस तरीके से दिखता है एंड बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है गाइस, बहुत ज्यादा। मैं मतलब कि इसकी तारीफ जितना करूं उतना कम है। इसकी जो मटेरियल है ना, ये लकड़ी का बना हुआ है एंड लकड़ी में ये सारा मतलब कि डिजाइन हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा बेस्ट लग रहा है, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन। साथ ही साथ आपको मिलेगा ये ग्लासेस, जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं, बहुत ही तगड़ी पैकेजिंग हुई है गाइस। मतलब कि मीशो और पहले की तरह मतलब कि ऐसे किसी भी सामान में मतलब कि नहीं दे दे रहा है सामान, अच्छी तरह से पैकेजिंग प्रॉपर अच्छी तरह से देता है भाई साहब, खुल ही नहीं रहा है ये। बहुत मुश्किलों के बाद मैंने फाइनली ग्लासेस ओपन कर लिए हैं एंड ये बहुत ही तगड़े पैकेजिंग में आए थे। ये रहे ग्लासेस, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं। इसमें आपको मोर का डिजाइन भी मिल जाएगा, ऑल्सो इसमें ना आपको ऐसे कलरफुल भी डिजाइन मिल जाएंगे, ग्रीन, रेड और ब्लू कलर में। और ये रहा कुछ इस तरीके से है, स्टील का ग्लास है एंड अंदर से कुछ इस तरीके से दिखता है, बहुत ही प्यारे हैं। एंड इसमें ना आपको 6 का ग्लास मिलेगा प्लस ये ट्रे मिलेगा। आप इसे गिफ्ट भी किसी को कर सकते हो, अपनी बेटी के शादी के लिए भी रख सकते हो, ऑल्सो अगर आप मैरिड हो तो आप अपने किचन में सजा के भी रख सकते हो, कोई भी आएगा तो उसमें इसको सर्व करोगे ना तो बहुत ही ज्यादा एस्थेटिक वाला फील आने वाला है। मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया एंड प्राइस के हिसाब से भी क्वालिटी 10/10 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्सल के तरफ एंड नेक्स्ट पार्सल क्या है ओपन करते हैं। जितने भी पार्सल खरीदे है ना, मैंने जो प्राइस में खरीदा है मैं तो वो दिखाऊंगी ही, लेकिन मीशो में हमेशा प्राइस जो होते हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, थोड़ा सा रुक भी सकते हो या फिर मतलब कि सेम प्राइस में ले सकते हो, मतलब कि ज्यादा नहीं 10-20 ऐसे 10-20 से 50 रुपए का अंदर ऊपर नीचे होता रहता है हमेशा मीशो में। तो ये है वो, वाव मैं समझ गई ये क्या है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है गाइस, मुझे क्यों पहले ये चीज नहीं मिला। एंड पता है ना गाइस, मुझे ना क्यूट सामान बहुत ज्यादा पसंद है एंड मुझे घर पे इसको सजाने के लिए भी बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। एंड इसको ना ऐसे ऐसे क्यूट सामान ना आप अपने घर पे रखोगे, कोई मेहमान आएगा ना वो सिर्फ आपके सामान पे ही उसका नजर रहेगा और किसी पे भी नहीं। ये रहा कुछ इस तरीके से गाइस, ये पिंजरा नहीं है जिसमें आप तोता या मैना रखने वाले हो, ये है फ्रूट बास्केट। यस, तो ये है इसका ढक्कन एंड ढक्कन की क्वालिटी देखो गाइस, बहुत ही ज्यादा प्यारी है एंड पूरा ही स्टील मटेरियल की है एंड इसमें पूरा गोल्डन कलर का डिटेलिंग हुआ है। एंड ये जो है ये हैंडल है और यहाँ पे आपको छोटे 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 चिड़िया दिखने को मिल जाएंगी, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। एंड ये रहा इसका बास्केट, बास्केट कुछ इस तरीके से है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, बहुत ज्यादा लग्जरियस फील दे रहा है। एंड इसमें आपको 3 चिड़िया लगे हुए मिल जाएंगे पूरे बास्केट में एंड पूरा ही गोल्डन का डिटेलिंग हुआ है एंड पूरा ही स्टील मटेरियल का है एंड अंदर से कुछ इस तरीके से है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप इसमें फ्रूट रख कर अपने डाइनिंग के ऊपर रखोगे तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगने वाला है एंड आप इसे ऐसे ओपन भी रख सकते हो, ऑल्सो इसको ऐसे ढांक के भी रख सकते हो, बहुत ही ज्यादा प्यारा लगने वाला है। देखते हैं आप नेक्स्ट पार्सल हमें क्या रिसीव हुआ है। और गाइस अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हो ना तो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए। एंड ये रहा बहुत ही प्यारा सा एंड बहुत ही यूजफुल सा सामान, ये है डाइनिंग कोस्टर। तो ये ना मतलब की ऐसे पूरा ही सेरामिक टाइप का लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में सेरामिक का नहीं है, ये प्लास्टिक मटेरियल टाइप का है। एंड यहाँ पे आपको ऐसे गोल्डन गोल्डन टाइप का डिटेलिंग मिल जाएगा एंड ये जो है ना ये बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। आप इसको ना अपने डाइनिंग में ऐसे सजा के रखोगे, आप इसको आप अपने डाइनिंग के ऊपर रख के इसको ऊपर चाय या फिर पानी वगैरह कुछ भी रख सकते हो, बहुत ही ज्यादा प्यारा लगने वाला है। और इसमें ना आपको 6 पीस मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही बेस्ट है एंड प्राइस पॉइंट के हिसाब से भी इसकी क्वालिटी एंड मटेरियल बहुत ज्यादा बेस्ट है। तो नेक्स्ट पार्सल क्या है तो चलो देखते हैं। और ये तो बड़ी ही काम की चीज है गाइस एंड आप सबको पता ही चल गया होगा ये क्या है करके, ये है इटली छांच। यस गाइस, तो ये है इसका ढक्कन एंड इसके साथ आपको ये इसका हैंडल वगैरह मिल जाएगा जिसको आप लगा सकते हो। एंड ये रहा कुछ इस तरीके से, तो ये है इटली छांच जिससे एक्चुअल इटली बनने वाला है। एंड इसमें ना आपको 4 लेयर्स मिल जाएंगे एंड एक लेयर में आपको 4 इटली बना सकते हो। एंड ये कुछ इस तरीके से है, पूरा ही स्टील मटेरियल का है। एंड ये रहा इसका जो कुकर है, तो ये कुछ इस तरीके से है एंड इसकी भी मटेरियल बहुत ज्यादा अच्छी,
क्वालिटी गाइस बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। यहाँ पे ना आपको दोनों साइड में हैंडल लगाने के लिए ये दिया गया है, जिसको आप मतलब की अच्छी तरह से हैंडल लगा सकते हो। यहाँ पे ये सीटी मारने के लिए ये हुईसील भी दिया गया है, जिसको आप इस तरीके से टाइटली बांध सकते हो। एंड इसकी क्वालिटी एंड प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत ज्यादा बेस्ट होने वाला है। तो जो नेक्स्ट आइटम है इसको ओपन करते हैं, देखते हैं क्या है। तो ये है हैंड ग्राइंडर, इससे आप पुदीना धनिया मिर्ची वगैरह कुछ भी ऐसे ऐसे ग्रेड कर सकते हो। तो उसके साथ ना आपको इस तरीके का कटर मिल जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके से है। एंड ये बहुत ही ज्यादा शार्प है, बी केयरफुल। एंड ये रहा इसका, जिसके अंदर आप सारा पुदीना धनिया वगैरह सारा चीज डाल सकते हो। एंड ये पूरा ही प्लास्टिक का है एंड बहुत अच्छा मटेरियल का भी है। तो इसको ना इस तरीके से इंसर्ट किया जाता है इसके अंदर। ऑल्सो इसमें ना आपको इस तरीके का कैप मिल जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके से है, जिससे आप ना इसको ऐसे अच्छी तरह से फिटिंग करके लगा सकते हो। तो जैसे मैंने लगा लिया। एंड ये रहा इसका हैंडल, एंड ये कुछ इस तरीके से है। तो इसको ना हम अगर ऐसे अच्छी तरह से लगा लेंगे, हम ऐसे प्रेस करेंगे तो ये घूम रहा है अंदर से। तो आप इस तरीके से घुमा सकते हो। एंड आपका जितना भी धनिया पुदीना वगैरह कुछ भी आप इसे ग्रेट करना चाहो तो इजीली कर सकते हो। एंड ये बहुत ही काम का चीज है गाइस, बहुत ही सस्ते प्राइस में भी मुझे मिला है एंड मटेरियल भी बहुत ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है, इसको ओपन करते हैं। तो ये है कुछ इस तरीके से। वाओ भाई साहब, पैकेजिंग देख रहे हो, बहुत ही तगड़ी पैकेजिंग है। मतलब कि पैकेजिंग के अंदर पैकेजिंग, एंड आप ऐसे ही लुक देखो कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। एंड इसको मैं ओपन करती हूँ। तो इसमें ना आपको ऐसे तीन सेरामिक स्पून मिल जाएंगे, जो कि कुछ इस तरीके से हैं, क्यूट से छोटू से स्पून मिल जाएंगे। ऑल्सो इसमें ना आपको जार मिलेगा, एंड ये कुछ इस तरीके से है। जार का क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छा है। एंड ये ना मतलब ऐसे सीधा नहीं रहेगा, ऐसे थोड़ा सा तिरछा टाइप का मतलब इसका डिजाइन हुआ है। एंड ये पूरा सेरामिक मटेरियल का है। उसके साथ आपको ये वुडन का कैप मिल जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके से लगने वाला है। एंड इसमें ना आप इस तरीके से स्पून लगा सकते हो। एक सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये रहा कुछ इस तरीके से इसका ओवरऑल लुक, जो कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप स्पून लगा दोगे तो ये कुछ इस तरीके से लगने वाला है। तो इसमें ना आपको ऐसे तीन जार मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं एंड बहुत ही अच्छी मटेरियल की है। साथ ही साथ आपको ये वुडन का ट्रे भी मिल जाएगा, जो कि ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी की है। एंड क्वालिटी वाइज, प्राइस वाइज एंड लुक वाइज बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, 10 out of 10। तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है इसको ओपन करते हैं एंड देखते हैं इसमें क्या हमें रिसीव हुआ है। तो ये है मसाले रखने वाले डब्बा। तो ये डब्बे की क्वालिटी ना बहुत ज्यादा अच्छी है। एंड इसके साथ ना आपको ऐसे कैप भी मिल जाएगा एंड स्पेस भी बहुत अच्छा खासा है एंड मटेरियल भी बहुत ज्यादा बेस्ट है। तो ये है बड़ा वाला डब्बा, देन मीडियम वाला डब्बा, देन जो उससे छोटा वाला डब्बा, एंड ये सबसे छोटू वाला डब्बा, जो कि कुछ इस तरीके से है। तो एक डब्बे के अंदर आपको ऐसे चार डब्बे मिल जाएंगे एंड ये सारे डब्बे के अंदर ही ऐसे चार वाले डब्बे आपको मिल जाएंगे। ऑल्सो आपको ना इसमें चार ऐसे स्पून मिल जाएंगे, जो कि आप हर डब्बे में एक एक करके रख सकते हो। तो ये रहे सारे डब्बे। एंड ये सारे डब्बे में ना चार चार का डब्बा मिल जाएगा आपको, ऑल्सो चार चार का चम्मच भी मिल जाएगा। ऑल्सो इस तरीके का डब्बा अगर आपके किचन में होगा ना, तो आपका किचन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत एंड एस्थेटिक लगने वाला है। तो डेफिनेटली ट्राई दिस प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट ओपन करते हैं एंड इसका पैकेजिंग आप देख सकते होंगे, इसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी है। एंड ये मेरी वजह से हुई है, क्योंकि ये बहुत दिन हो गया अभी पार्सल आने को एंड मैंने इसको अभी तक रखा था। तो ये है बहुत ही बड़ी काम की चीज है। रुको रुको दिखाती हूँ, थोड़ा ओपन तो कर दूं। ये है प्लेट स्टैंड, जो कि कुछ इस तरीके से है, जो कि बहुत ही अच्छी मटेरियल की है। एंड ये पूरा ही स्टील मटेरियल का है। एंड इसका जो हैंडल है ये आपको मिलेगा प्लास्टिक का एंड बहुत ही तगड़ा, बहुत ही मजबूत सा है। इसमें आप ऐसे प्लेट एक एक करके रख सकते हो एंड इसमें आप टोटल 12 प्लेट रख सकते हो। तो इसको ना ऐसे स्लैब के ऊपर रख देना है, देन आप इसमें ऐसे प्लेट रखोगे। एंड प्राइस के हिसाब से ना प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ही अच्छी मटेरियल की है। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट हमें रिसीव हुआ है, ये है बहुत ही भारी सा एंड बहुत ही बड़ा सा पार्सल। तो देखते हैं इसमें क्या है एंड क्या हमें रिसीव हुआ है। पैकेजिंग ना गाइस, मीशो ने दिल जीत लिया पैकेजिंग। तो वाओ, इसमें तो थर्मल का पूरा आपको मिल जाएगा पैकेजिंग, बहुत ही हेवी एंड बहुत ही अच्छी पैकेजिंग हुई है। तो ये कुछ इस तरीके से ऐसा मिला है मुझे एंड अच्छा हुआ मैंने इसको लास्ट में ओपन किया, क्योंकि बहुत ही ज्यादा है। तो इसमें ना आपको ऐसे स्पून मिल जाएगा ये, एंड ये रहा इसका प्लेट।
तो ये रहा इसका प्लेट जो कि कुछ इस तरीके से है। तो इसमें ना आपको इस तरीके का प्लेट मिल जाएगा जो कि ये पूरा सेरामिक मटेरियल का है। ऑल्सो इसमें चार चम्मच भी मिल जाएंगे जो कि सेरामिक चम्मच हैं एंड ये कुछ बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं। इस तरीके से इसका जो ढक्कन है कुछ इस तरीके से रहेगा एंड ये रहा इस तरीके से। तो ये है एक एक करके ऐसे रहेगा एंड इसमें आप इस तरीके से चम्मच भी रख सकते हो एंड या बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगने वाला है। चम्मच रखने के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है एंड आप मटेरियल भी देखो गाइस इतना ज्यादा बेस्ट है, पूरा ही सेरामिक मटेरियल का है एंड ये पूरा ब्लू एंड व्हाइट का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। तो ना ऐसे असेंबल करने के बाद ना इसको ऐसे बीच में लगाना होता है जिससे कि पूरा सारा एक साथ होकर रहे एंड ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। आप देख सकते होंगे कि कितना ज्यादा बेस्ट लग रहा है ये, मैं पूरा दिखा दे रही हूँ ऊपर से एंड ये बहुत ही लग्जूरियस फील देने वाला है एंड ब्लू एंड व्हाइट का जो कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत ज्यादा बेस्ट है। नेक्स्ट पार्सल है, ये सबसे बड़ा वाला पार्सल है तो इसको ओपन करते हैं एंड देखते हैं कि इसमें क्या है एंड आप कमेंट करके जरूर बताना गाइस कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना है, कौन से प्रोडक्ट का आपको रिव्यू चाहिए। तो ये रहा नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि कुछ इस तरीके से है एंड वाओ ये देखने में ही बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, आप देख सकते होंगे। तो ये है मसाले रखने वाला रोटेटेबल, मतलब तो ये रहा एक्चुअल प्रोडक्ट एंड इसका ओवरऑल लुक कुछ इस तरीके से है एंड ये पूरा ही प्लास्टिक मटेरियल का है। पूरा इसका जो स्टैंड भी है वो भी प्लास्टिक का है एंड जो डब्बे भी हैं वो भी प्लास्टिक के हैं। इसमें ना टोटल आपको 16 डब्बा मिल जाएंगे जिसमें आप मसाले वगैरह सारा चीज रख सकते हो एंड द बेस्ट थिंग कि आप इसको ऐसे घुमा सकते हो जो कि रोटेटेबल है एंड बहुत ही काम की चीज है। एंड ये रहा इसका ऊपर का लेयर एंड ये रहा इसका नीचे का लेयर एंड दोनों ही ऐसे घूमने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। सो या गाइस ये था आज का वीडियो, आई होप कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। कुछ भी लेना है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहां से चेकआउट कर सकते हो। ऑल्सो अगर यहाँ तक वीडियो में बने हो तो प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय।